अस्सलामुअलैकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जहाना हसन, मैं प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस से मुखातिब हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यंग गर्ल्स में और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में सबसे कॉमन एंडोक्रीन डिसऑर्डर है। हमारे पास इस वक्त हर चौथी लड़की या औरत पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कोई डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है, इनफैक्ट एक हार्मोन इम्बैलेंस है जिसको हम सिंड्रोम की तरह की फॉर्म में कहते हैं, मतलब जिसकी वजूहत क्लियर एविडेंट नहीं है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फैमिली में रन करता है। पीसीओ के पेशेंट्स को जिंदगी में आगे चल के डायबिटीज यानी शुगर डेवलप होने का खदशा होता है। इन पेशेंट्स को हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज यानी हमल के दौरान डायबिटीज भी हो सकती है। पीसीओ के पेशेंट्स जब आगे की उम्र पे जाते हैं और वो डायबिटीज डेवलप करते हैं तो उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यानी एंडोमेट्रियल यूट्राइन कैंसर का भी खदशा होता है। ये सारे वो मरीज होते हैं जो ओबीज होते हैं यानी जिनका बॉडी वेट ज्यादा होता है और इनको इन हार्मोन डिसऑर्डर्स की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। यंग एज ग्रुप में बच्चियां और यंग गर्ल्स को जब पीसीओएस होता है तो उसमें द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आर एक्नी एंड हर्सियूटिज्म यानी एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी वेट गेन एंड इरेगुलरिटी ऑफ द पीरियड्स। जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं तो उनको सब फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब उनको प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किलात पै होती हैं और बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वेट गेन। जब वो उम्र के आगे के हिस्से में पहुंचती हैं तो उनको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेस होती हैं और ये पेशेंट ज्यादा प्रोन होती हैं कि इनको एंडोमेट्रियल कैंसर हो और डायबिटीज हो। तो पीसीओ के लिए फाइट करना है, पीसीओ की रोकथाम के लिए इकदाम करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें वजन को कम रखना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट को एक हेल्दी बैलेंस डाइट रखना है। यही मेन कॉर्नरस्टोन ऑफ ट्रीटमेंट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का। शुक्रिया।